आज बर्गर किंग में 9% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी में QIP के जरिए बड़ी मात्रा में शेयरों की ऑफलोडिंग की खबरें आ रही हैं। क्या है ये सारी डिटेल, इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की वजह क्या है, बताने के लिए मेरे सहयोगी सौमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बर्गर किंग बुरी तरह से टूट रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? सही कहा आपने, बर्गर किंग जिसे अभी रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया के नाम से जाना जाता है, करीब 9% के डाउन हो चुका है ट्रेड में। पर अगर आप इंट्राडे देखेंगे तो 15% का डिक्लाइन देखने को मिला था, जो कि हाईएस्ट इंट्राडे डिक्लाइन था जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लेके अब तक इस कंपनी के लिए। अगर आप लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो 20% का डिक्लाइन अब तक देखने को मिला है। अब एक कारण ये डिक्लाइन के पीछे ये भी है कि जो QIP इन्वेस्टर्स है जिन्हें अभी शेयर्स अलॉट किए थे, वो ये शेयर्स ऑफलोड कर रहे होंगे मार्केट में, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो अब तक मार्केट में 75 लाख से ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं। और अगर आप 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने इसको अगर कंपेयर करेंगे तो 10 टाइम्स ज़्यादा है ये वॉल्यूम्स। तो ये हाई वॉल्यूम्स, इसका हाई वॉल्यूम्स का मतलब ये भी हो सकता है कि वो QIP इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं मार्केट में। अगर आप देखते हैं QIP में कंपनी ने करीब 10.84 करोड़ शेयर्स अलॉट किए थे 129 रुपीज़ पर शेयर के वैल्यू पे, और इसमें से 6 करोड़ शेयर्स जो है वो बड़े इंस्टीट्यूशंस को अलॉट किए थे, जैसे कि फिडेलिटी, BNP, बैंक ऑफ अमेरिका, आदित्य बिरला, अमानसा और बजाज अलायंस, और बाकी के शेयर्स स्मॉल इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स को अलॉट किया गया था। कंपनी ने करीब 1400 करोड़ रेस किया था, और अगर आप नेट ऑफ ट्रांजैक्शन चार्जेस देखेंगे तो कंपनी को करीब 1360 करोड़ रुपीस मिल रहे थे। अब ये कंपनी फंड ये कैसे यूज़ करने वाली थी, वो बर्गर किंग इंडोनेशिया के फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने के लिए ये फंड यूटिलाइज करने वाली थी। अभी जो टोटल फंड रेस था 1360 करोड़ का, उसमें से करीब 1157 करोड़ रुपीस ये राइट्स खरीदने के लिए यूज़ होने वाले थे, और बाकी के जो फंड्स थे वो कंपनी एज अ बफर यूज़ कर रही है, क्योंकि वो अग्रेसिव रोल आउट कर सकती है स्टोर्स इंडिया में अगले 2-3 साल में। और अगर देखते हैं तो नए स्टोर फॉर्मेट भी लॉन्च करने के इसमें है, जिसे बर्गर किंग कैफ़े कहा जाएगा। अगर आप देखते हैं पहले कंपनी ये जो बर्गर किंग कैफ़े के स्टोर्स थे वो 4th quarter में लॉन्च करने वाली थी, बट इन्होंने ये लॉन्च प्रीपोन कर दिया 3rd quarter में, और 3rd quarter में ही उन्होंने 18 stores लॉन्च कर दिए। तो आगे जाके भी हमें ऐसा अग्रेसिव स्टोर रोल आउट देखने को मिल सकता है कंपनी से, और इसी कारण ये फंड रेज हुआ था। और अभी का जो डाउनफॉल हमें दिखने मिल रहा है वो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि QIP इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स मार्केट में बेच रहे हैं। तो क्लियरली ये डाउनफॉल की एक वजह भी हो सकती है, QIP इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स जो हैं वो मार्केट में बेच रहे हैं, और इसी के चलते बर्गर किंग जो है आज फोकस में है, गिरावट यहाँ पर। सौमित, शुक्रिया ये जानकारी के लिए।